बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदरुस्ती अता फरमाए। वेलकम बैक, हकीम रियाज कंबो आपकी खिदमत में हाज़र है। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मसाने की कमज़ोरी के हवाले से। बहुत ही आसान और होम रेमडीज़ है, सिर्फ चंद दिन के इस्तेमाल से इंशाल्लाह मसाने की जो प्रॉब्लम है, चाहे वो किसी बुज़ुर्ग को है, चाहे किसी ख़वातीन को है, चाहे किसी बच्चे को है, या चाहे किसी मर्द को है, किसी को भी मसाने की प्रॉब्लम है। बार बार पेशाब आता है, पेशाब के कतरे आते हैं, पेशाब करने के बाद कतरे आते हैं, पेशाब में जलन है, तो कोई भी प्रॉब्लम है जो मसाने से जो रिलेटेड है, तो इंशाल्लाह आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें। आपको किसी पंसार स्टोर से कहीं से कोई चीज़ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये घरेलू नुस्खा है। आपने सिर्फ जो है वो चंद दिन इस्तेमाल करना है, तो इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम जो है वो आपकी मसाने की बिल्कुल 80% जो है वो आपकी हल हो जाएगी। अक्सर छोटे जो बच्चे होते हैं, ये रात को बिस्तर में पेशाब कर देते हैं, तो आप ये रेमडीज़ जो है उन बच्चों को भी यूज़ करवा सकते हैं। जो बुज़ुर्ग हैं जिनको बार बार पेशाब आता है, आप उनको भी यूज़ करवा सकते हैं, या जो मर्द हजरात जिनको मसाने की प्रॉब्लम है, पेशाब के बाद पेशाब के कतरे आते हैं, पेशाब में जलन महसूस होती है, तो या कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिनको लकोरिया वगैरह का मसला होता है, तो ये जो रेमडीज़, ये जो नुस्खा है, ये लकोरिए के लिए भी बड़ा बेहतरीन है। ऐसा आज कामयाब और पावरफुल नुस्खा बताऊंगा आप लोगों को कि आप चंद दिन इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इस बहुत ही आसान नुस्खा है। आपने करना ये है कि जो ख़वातीन जो घर में आटा जब गूंधती हैं, तो जिस पानी से आटा गूंधा जाता है, उस पानी के अंदर जो है वो जो है कुछ आटा मिक्स हो जाता है, तो वो पानी आपने चंद दिन, एक या दो घूंट, जब भी आटा गूंधने के बाद जो पानी बच जाता है, वो पानी आपने एक या दो घूंट पी लेने हैं। चंद दिन आप इसी नुस्खे को, इस रेमडीज़ को चंद दिन इस्तेमाल करें। जो बच्चे बिस्तर पर पेशाब करते हैं, आप ये रेमडीज़ उनको इस्तेमाल करें। जो बुज़ुर्ग जिनको बार बार पेशाब आता है, रात को उठना पड़ता है, तो ये रेमडीज़ आप उनको भी यूज़ करवाएं। या जो हजरात जिनको पेशाब आता है और पेशाब के बाद कतरे आते हैं, तो वो लोग भी इसको यूज़ करें। यानी कि मसाने के मुतलक जितनी भी प्रॉब्लम है, वो 80% जो है वो इस रेमडी से वो जो है आपकी जो वो हल हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो ये बहुत ही आसान नुस्खा है, घरेलू नुस्खा है। बहुत से बुज़ुर्ग हमारे, बहुत सी ख़वातीन जो हमारी जो घरों में बड़ी होती हैं, तो वो अक्सर ये ख़वातीन जो होती हैं वो अपनी बेटियों को लकोरिए के लिए ये यूज़ करवाती हैं। ये लकोरिए के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है, बहुत ही जो है वो पावरफुल रेमडीज़ है। आप चंद दिन जिन ख़वातीन को लकोरिए का मर्ज़ हो, वो ख़वातीन भी इसको यूज़ करें, तो इंशाल्लाह जो लकोरिया है, चंद दिन इस्तेमाल करने से लकोरिए का मर्ज़ जड़ से ख़त्म हो जाता है। जिन लोगों को पेशाब की प्रॉब्लम है, आप चंद दिन इस्तेमाल करके देख लें, इंशाल्लाह आपकी जो है वो मसाने की जो प्रॉब्लम है, पेशाब की जो प्रॉब्लम है, वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी अल्लाह ताला के फजल व करम से। बस आपने ये चंद दिन इसको इस्तेमाल करना है, तो फिर आप हैरान रह जाएंगे कि वाकई ही इसका ऐसा ज़बरदस्त और पावरफुल ये नुस्खा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी और नुस्खे के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।